ओम शांति आज से दस साल पहले 2013 अप्रैल में, में जब मुझे पता चला कि पीस ऑफ माइंड चैनल स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम मेरे ए, इस मनोस्थिति में से गुज़र रही थी कि जैसे ए, सब कुछ है ज़िंदगी में जो खाना था खा लिया जो पहनना था पहन लिया पर फिर भी अंदर एम्पिटीनेस थी आ, स्लीप भी डिस्टर्ब थी तो कुछ खाली खाली पंसा सा लगता था लाइफ में बट जब एक दिन मैंने पीस ऑफ माइंड चैनल पे शिवानी दीदी और सुरेश उबराय भाई सब का प्रोग्राम देखा तो उस दिन दीदी ने मेडिटेशन कराई और दीदी के इतना अच्छे से उन, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स होने के कारण इतना अच्छे से मैं उनके साथ साथ दीदी के साथ आ, एडिटेशन कर पाई कि मुझे मतलब, जैसे बॉडी में एक तरंग जाती है ऐसा अनुभव हुआ और मुझे आ, बहुत अच्छी अनुभूति हुई फर्स्ट डे से तो उसके बाद दीदी का उस टाइम आठ साढ़े आठ बजे प्रोग्राम आता था तो मैं अपना सारा काम छोड़ के दीदी का प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाती थी डे मतलब, वन से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो फिर मैंने दूसरों के साथ अपना जैसा एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया धीरे धीरे मेरे को उसका अपनी हेल्थ पे काफ़ी रिजल्ट देखने को मिला मेरी स्लीप इम्प्रूव होने लगी मुझे मतलब बहुत सुख की अनुभूति होने लगी तो मैं लोगों के साथ मैं उस टाइम संगरूर में थी तो मैं बस में लोगों के साथ जो भी मेरे साथ सीट पे बैठता बहन भाई तो और सोल कॉन्शियसनेस का भी मुझे बहुत जल्दी आ, जो अपने ब्रह्मा कुमारी में में बाबा भी बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट चैप्टर यही है सोल कॉन्शियसनेस का मुझे बहुत जल्दी चैप्टर में विश्वास बन गया और मैं सभी को खुद को और सभी को आत्मा देखने लगी मुझे लगता है मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अपनी हेल्थ में और अपने रिश्तों में और हर हर चीज़ में मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि इसमें मेन यही है कि दूसरों को खुद को आत्मा समझें कि हम चौरासी जन्मों के चक्कर में आने के कारण हमारे में भिन्न भिन्न संस्कार हैं जैसे वैसे ही दूसरे दूसरे सोल में दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी वैसे ही हैं इससे हमें दूसरों को समझने की बहुत मतलब सम, जल्दी समझ पाते हैं हम दूसरे का कि वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है और हम खुद भी कई बार ऐसे जितना जैसा सोचा होता है वैसे कई बार रिएक्ट नहीं कर पाते कोई डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और जल्दी फुल स्टॉप लग जाता है कि हमारा कोई पुराना संस्कार सामने आ गया कोई बात नहीं अभी फिर से आत्मा के जो मूल गुण है प्योरिटी पीस पावर हैप्पीनेस लव नोडज एंड ब्लिस इसमें फिर से टिकते हैं इनमें से एक का मेरा और बहुत अच्छा अनुभूति रही है कि प्योरिटी जो पवित्रता है ब्रह्मचर्य के तो है ही है उसके अलावा दूसरे को आत्मा देखना ये एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट है दूसरी सोल के लिए कि इसमें टिक के जब हम दूसरे को देखते हैं एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन दूसरे दूसरी सोल को जाती है तो उससे बहुत अच्छा आ, हम खुद अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं और दूसरे बच सोल की दूसरे पर्सन की भी अच्छे से समझ पाते हैं तो उसके कारण मेरे को मतलब मुझे लगता है कि ये सातों गुणों में से मैं प्योरिटी को मतलब एक नंबर पे ही रखती हूँ कि अगर प्योरिटी होगी तो नेक्स्ट विल बी पीस व्हेन देर इज़ पीस देन वी विल बी पावरफुल वैन वी आर पावरफुल देन ऐटोमैटिकली वी आर लवफुल अगर प्योरिटी नहीं है तो मन में शांति नहीं होगी शांति नहीं है तो हम शक्तिशाली नहीं हैं अगर शक्तिशाली नहीं है तो प्यार हो ही नहीं सकता हम अगर प्यार नहीं है तो खुशी नहीं है तो अगर खुशी नहीं है और छठा गुण फिर ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है हम अकल ही जैसे चली जाती है और अगर ये छ है तो आनंद ऐटोमेटिकली उसका प्रोडक्ट ही होगा आनंद जीवन में होगा मौज हो गई इन सातों गुणों का अलग अलग टाइम पे मेरे को अलग अलग बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है जिसके कारण मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के तकरीबन मुझे ऐसे ही लगता है आई एम ऑन गॉडली सर्विस कि मैं वैसे मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हूँ असिस्टेंट मैनेजर बट मुझे लगता है कि मैं आ, गॉडली सर्विस पे हूँ घर पे हूँ चाहे कहीं बाहर जाती हूँ चाहे ऑफिस में हूँ तो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होने की वजह से मेरे बहुत अच्छे अच्छे अन, अनुभव रहे हैं इस उसमें इसी कारण मैं चाहती हूँ कि घर से लेकर पूरे पटियाला शहर और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था से अगर मैं Uh, कुछ परसेंट भी किसी को जोड़ पाऊँ तो मेरे मुझे लगता है मेरा जीवन सफल होगा थैंक यू ओम शांति